तो इनसे फिर हमें इनके अलावा हमें फिर दूसरे किसी सिविल में जाकर हमें अपना पैसा, सिविल यानी कि प्राइवेट, प्राइवेट में जाके हमें अपना पैसा पे करके कराना पड़ेगा, जो हमें सरकार सुविधा नहीं दे रही है। कितने दिन में आ रहा है? 3 से 4 दिन में आ जाता है मोबाइल। 48 घंटा में हमको ट्रेवल करना है, कैसे होगा? इसकी जानकारी उच्च पदाधिकारी से मिलेगी। PCR टेस्ट के लिए अगर दे भी देते हैं तो 3 दिन में रिपोर्ट आएगी, 5 दिन में रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में RT-PCR टेस्ट को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार कोरोना जांच की तो बात कह रही है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग कोरोना जांच की बात कह रही है, जांच हो भी रही है। अभी हम पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में हैं, यहाँ जाँच तो हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है वो एंटीजन टेस्ट का हो रहा है, यानी कि RT-PCR टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं जो एंटीजन टेस्ट है उसके अपेक्षा। अगर बात करें तो इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किए थे, बिहार के तमाम विरोधी दल उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे, और ये बात कही जा रही है कि जब बिहार के स्वास्थ्य विभाग इस बात का दावा कर रही है कि हम टेस्ट जो है कम नहीं कर रहे हैं, लगातार बढ़ रही है और कोरोना का संक्रमण लगातार घट रही है, तो ऐसे में कई जगह पर तो टेस्ट अवेलेबल नहीं था, लेकिन पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में पहुँचे हैं तो टेस्ट यहाँ अवेलेबल है, एंटीजन टेस्ट हो भी रहा है, लेकिन RT-PCR टेस्ट को लेकर के यहाँ भी बातें जो है दो मत है। अगर बात करें तो RT-PCR टेस्ट कहीं भी ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी है और RT-PCR टेस्ट पर ही लोगों को भरोसा है, लेकिन RT-PCR टेस्ट की जो संख्या है वो कम हो रही है, टेस्ट कम हो रहे हैं। ऐसे में अभी हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो यहाँ RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए आए थे, हम उनसे ही जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम, मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ सरिस्ताबाद से, अपना गर्दनीबाग के नज़दीक एरिया से जी। जी, हमें 13 जून को मुंबई जाना है जी, और मुंबई जाने के क्रम में 48 आवर्स का हमें RT-PCR टेस्ट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं गर्दनीबाग हॉस्पिटल में आया तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया जी, तो बोला किसी के डेट के लिए आपको 3 से 5 डेज लग जाएंगे जी, जो 3 से 5 डेज हमें ट्रेवल करने के लिए वैलिड नहीं होते हैं जी। तो इनसे फिर हमें, इनके अलावा हमें फिर दूसरे किसी सिविल में जाकर हमें अपना पैसा, सिविल यानी कि प्राइवेट, प्राइवेट में जाके हमें अपना पैसा पे करके कराना पड़ेगा, जो हमें सरकार सुविधा नहीं दे रही है जी। देखिए, सरकार सुविधा नहीं दे रही है, इस तरह के तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इनकी तरह, जिनकी समस्या ये है कि वे ट्रैवल तो करना चाहते हैं लेकिन ट्रैवल में RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए जो निगेटिव होना चाहिए, और RT-PCR टेस्ट का जो निगेटिव जो सर्टिफिकेट है वो 48 घंटे का होना चाहिए। लेकिन बात करें तो पटना के अस्पतालों में और बिहार सरकार इस तरह की सुविधा अभी नहीं दे रही है जिससे लोगों को 48 घंटे के भीतर का RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट मिल जाए। इनका सीधे तौर पे कहना है, जब यहाँ के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि RT-PCR टेस्ट तो हो जाएगा लेकिन इसका रिपोर्ट 3 दिन में आएगा या 5 दिन में, इसकी कोई गारंटी नहीं है, यानी कि समय की कोई गारंटी नहीं है, ये बात कह रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि लोग पॉजिटिव अब कम आ रहे हैं लेकिन RT-PCR टेस्ट जो है वो अब कम हो रहे हैं। चलिए, और यहाँ जो जांच में लगे हुए कर्मी हैं हम उनसे ही बातचीत करते हैं। RT-PCR टेस्ट हो रहा है जी? हो रहा है, RT-PCR का जांच होता है। RT-PCR का जांच होता है जी। कितना होता है एक दिन में? एक दिन में 30-35। और एंटीजन का कितना होता है? एंटीजन वही 40-42-45 हार्डली। एंटीजन 45 और जो RT-PCR तो आप ज्यादा कह रहे हैं इस मामले में। हाँ, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, RT-PCR ज्यादा हो रहा है। रिपोर्ट कितने दिन में आ रहा है RT-PCR का? 3 से 4 दिन में आ जाता है मोबाइल। 48 घंटा में हमको ट्रेवल करना है, कैसे होगा? इसकी जानकारी उच्च पदाधिकारी से मिलेगी। उच्च पदाधिकारी से मिलेगी जानकारी, उच्च पदाधिकारी से मिलेगी, और उच्च पदाधिकारी भी इस मामले में कहने से कोताही बरत रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रैवल के लिए RT-PCR टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है मैक्सिमम 48 आवर का होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जैसा कि अभी इस शख्स ने बताया, एक व्यक्ति ने बताया आपको कि इस पूरे मामले में कि इन्हें जो है सरकार की ओर से अब RT-PCR टेस्ट वाली जो सुविधा है, यानी कि सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करके वे कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि RT-PCR टेस्ट के लिए अगर दे भी देते हैं तो 3 दिन में रिपोर्ट आएगी, 5 दिन में रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तब तक फ्लाइट तो छूट जाएगी, तब तक ट्रेन तो चली जाएगी, ये बात यहाँ के आने वाले व्यक्ति का कहना था। चलिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। गर्दनीबाग अस्पताल के बाहर हैं, कहाँ से आए हैं सर? हमारा नाम कृष्णा नगर से हैं। टेस्ट कराने आए हैं? हाँ, टेस्ट कराने हैं। कौन सा टेस्ट? वो एंटीजन वाला कराना है। एंटीजन तुरंत वाला करवाना है? हाँ। RT-PCR भी हो रहा है?
आरटीपीसीआर के बारे में हमको पता नहीं, पता नहीं है। लेकिन देखिए शख्स को पता नहीं, अभी आप गए थे वहाँ पे, काउंटर पे गए थे? हम गए थे, हमको एंटीजन वाला कराना था इसलिए एंटीजन करा लिया। करा लिया। क्या हुआ रिपोर्ट? नेगेटिव है। नेगेटिव है, मतलब देखिए एंटीजन कराने गए थे, नेगेटिव है रिपोर्ट। लेकिन और सीधे तौर पे देखें तो बड़े सवाल जो हैं आरटीपीसीआर टेस्ट पर खड़े हो रहे हैं। एंटीजन टेस्ट पर लोगों ने भरोसा जताना कम कर दिया है। बिहार के अलग अलग जिलों से, अलग अलग हिस्सों से एंटीजन टेस्ट पर सवाल खड़े हुए थे, जिसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट की बात हुई थी। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट जो है 30% ही पूरे बिहार में हो रही है, और जिसका रिपोर्ट के बारे में बात करें तो रिपोर्ट को लेकर के भी सरकार पर सवाल या निशान खड़े होते हैं, तो लोग ट्रैवल करें तो करें कैसे। ऐसे में इस व्यक्ति ने, जैसा कि आपको बताया, कि जो अब जो है हमें प्राइवेट हॉस्पिटल की शरण में जाना होगा, प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर जितने हैं वहाँ जा करके हमें अपना पैसा जेब से खर्च करके हमें आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट लेना पड़ता है, इसके बाद ही हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सरकारी मिलीभगत से, सरकारी अस्पताल, सरकारी विभाग के मिलीभगत से ही, और प्राइवेट हॉस्पिटल के, प्राइवेट टेस्टिंग सेंटर के मिलीभगत से इस तरह का खेल हो रहा है, या फिर सच्चाई कुछ और है। जुड़े ना भारत लैब के साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लैब की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लैब की खबरों को देखते रहें, शेयर करते रहें और मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।